ये फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उन सभी क्रांतिकारियों को समर्पित है जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, फिर भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए। आजादी के जंग में गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, वीर सावरकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ बिहार के एक महान क्रांतिकारी थे महेंद्र मिश्र, जिन्होंने आजादी के लिए भारत माता के चरणों में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। 17 अप्रैल 1924 पटना हाईकोर्ट, जहां नकली नोट छापने के अपराध में बिहार के क्रांतिकारी महेंद्र मिश्र को गिरफ्तार करके पेश किया गया। महेंद्र मिश्र क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए नकली नोट छापते थे। इस काम के लिए उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं था। उनकी नजरों में यह एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के लिए जंग था। उनकी गिरफ्तारी की खबर सभी अखबारों में छपी कि एक क्रांतिकारी पूरे ब्रिटिश हुकूमत पर भारी। वंदे मातरम। एक क्रांतिकारी पूरे ब्रिटिश हुकूमत पर भारी, महेंद्र मिश्रा। तो तुम है महेंद्र मिश्रा, नकली नोट छापता है, ब्रिटिश हुकूमत के तिजोरी से चोरी करता है। मारो छा डांडा इसको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कौन कौन है तुम्हारे साथ बताओ? हमारे साथ भारत माता का आशीर्वाद है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का मार्गदर्शन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर की हिम्मत है। स्वाधीनता हमारा अधिकार है और इसे हम छीन कर रहेंगे। तो तुम हो गरम डाल का खूंखार आदमी, बर्तानिया हुकूमत के खिलाफ जंग में शामिल हो। मारो इसको छा डंडा। वंदे मातरम। आपके डंडे की मार मेरी आवाज को नहीं दबा सकती है जज साहब, क्योंकि मेरी आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। आपके ब्रिटिश हुकूमत ने जालियांवाला बाग कांड में हजारों निर्दोषों को गोली मार दिया था। केरल में हिंदू मुसलमान को भड़का करके दंगा करवा दिया। हजारों मुसलमानों ने मिलकर ना जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया। उसके बाद भी हमारी क्रांति की जंग नहीं रुकी, क्योंकि हमारे रग रग में श्री राम के मर्यादा की शक्ति है, धैर्य है, ताकत है, तो हमारे साथ कृष्ण के गीता का ज्ञान भी है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तुम्हारा मतलब है कि तुम धर्म के लिए हिंसा करेगा? हाँ हाँ, मैं हिंसा करूंगा, अपने धर्म को बचाने के लिए हिंसा करूंगा, मानवता को बचाने के लिए हिंसा करूंगा, अपने देश को बचाने के लिए हिंसा करूंगा। अपने देश को बचाने के लिए हिंसा करना हिंसा नहीं, कर्तव्य है। तो तुम गांधी के अहिंसा को नहीं मानता है? मैं गांधी का सम्मान करता हूँ, पर बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर और लाला लाजपत राय की पूजा करता हूँ। मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, ये देश ऋषि मुनि और योगियों का है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं योगीवादी हूँ, और ये जंग मैं आजीवन जारी रखूंगा। ब्रिटिश हुकूमत के जंग में तुम्हारा, हिंदुस्तानी लोग भी हमारा साथ है।
ब्रिटिश राज और हमारे खिलाफ ये जंग तुम जीत नहीं सकता है। ये सब तुम कितना साल से कर रहा है? ये एक लंबी कहानी है जज साहब। इसमें मेरा देश प्रेम तो किसी की प्रेम तपस्या और त्याग शामिल है। प्रणाम धरती मैया। फिरंगियन के खिलाफ जंग के शुरुआत करे जा रहल बानी। कामयाबी दी हम आई, कामयाबी दी हम। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेज ऑफिसर गांव से लगान वसूल कर ले जाते थे, जिसे कभी कभी क्रांतिकारी लूट भी लेते थे। उतारो इसको। जा उतारा। ठीक हो सो मिर्ची पाउडर। बक्सा लेके स्वामी जी के लगे पहुंचा जाता हूं। चलो जल्दी जा, निकला चला। सुना सुना जा, अंग्रेज पुलिस हमन की तलाश में जरूर रही हन सर। जौले मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो जात तो लोग अपनी गांव में चल जा। मामला शांत भइला के बाद फिर से मुलाकात होई। वंदे वंदे वंदे। जा लोग चला। ब्लडी इंडियंस। मुख्तार। यस सर। उन लुटेरों को चारों ओर ढूंढो और उन कोठों पे भी जरूर जाना। यस सर। जाओ। ओके सर, मैं उन लोग को ढूंढ के रहेगा। जरूर किसी ने जासूसी की है सर कि हम आज खजाना लेकर इधर आने वाला। हम उन लोग को छोड़ेगा नहीं सर। होबन चलो चलो। कोई बात नहीं। ओ, सोने के सिक्के। महेंद्र की जानकारी बिल्कुल सटीक है, लेकिन महेंद्र है कहाँ? आते हुए स्वामी जी। अरे आ गई लन। स्वामी जी खुश रहो खुश रहो। स्वामी जी
कलकत्ता के सन्यासी आंदोलन से जुड़ के हम खुद के बड़ा सौभाग्यशाली समझतानी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ए जंग में शामिल भए कहीं न कहीं भारत माता के ही कृपा बाटे। स्वामी जी, रउआ सभे मुजफ्फरपुर से बेगूसराय निकल जाएं और बेगूसराय से गंगा नदी के किनारा पकड़ के कलकत्ता तक पहुंच जाएं। अच्छा, और हाँ, जितना भी खजाना बाटे एमे से कुछ खजाना जौन बा तोन सिंथाल आंदोलनकारी के और कुछ खजाना चुवाड़ आंदोलनकारी के भी दे दे, और जाते समय रास्ता में बक्सा के गंगा जी में प्रवाहित कर दे। अब रउआ सभी भी यात्रा प्रारंभ करी और हमरों के मुजफ्फरपुर में कोनो न कोनो जगह छुपे खातिर देखे के पड़ी। अब महेंद्र, तू भारत माता के आशीर्वाद समझ के ई थैली रख ला। जैसन आपके आज्ञा स्वामी जी। अच्छा, अब रउआ सभी प्रस्थान करी, हमहू के मुजफ्फरपुर में कहीं छुपे के जगह ढूंढे के पड़ी। और हाँ, तो लोग गांव में चल जा। ठीक है भैया, जल्दी अगला मुलाकात ठीक, हुई ठीक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो प्रणाम। आदाब। आदाब ना, वंदे मातरम बोला। वंदे मातरम। कोठा के मालकिन से मिलल चाहता नहीं, ये छोटा सा नजराना। तशरीफ लाइए। आप यहीं ठहरिए। गौहर आपा, ये मेहमान आपकी खिदमत में नजराना पेश किए हैं और आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। अमीरा, कद्रदान को बताया नहीं कि एह कोटा पर अकेले मिले खातिर कोनो रस्म अदायगी ना होला। परी नाचीज रउआ से चंद मिनट अकेले में मिलल चाहते। आई, तशरीफ रखी। हमरा लगा था कि रउआ पहला बार कोठा पर आयल बानी। खैर छोड़ी, बोली का शौक फरमाई। कुछ ना। आपा, अपनी गुलबदन तैयार हो गई है, किसी की नजर ना लगे, चलिए। अमीरा, तू दरवाजे पर जा और आवे जावे वाले पर नजर रखा। नाजिया। हाँ। यहाँ के ध्यान रखा। जी आपा। समीदार साहब, चली आई। आई, तशरीफ रखी। नाजिया। लेकर आ रही हूँ आपा। गुलजार, गुलजार। आदाब। फरमाई। ई रहल 200 रुपया। अरे वाह। ऐसन हूर के सिर्फ 200 रुपया? 200 रुपया महीना कम ना होला। कहाँ जाए के बा? एगो रस्म अदा करे के बा गुलजार, नथ उतारे के रस्म। जमींदार साहब हर महीना 200 रुपया देब, ओकरा बदले जब ई कोठा पर आई तब तोहके इनके खिदमत में हाजिर होके के पड़ी। नहीं करे का ऐसा रस्म अदायगी, ई तो हमार इज्जत के सौदा हो रहल बा। हम तो सोचले रहनी कि जमींदार साहब एजा सट्टा लिखवावे आयल बाड़न नाचे गावे खातिर। नफरत बा हमरा के ऐसा रस्म अदायगी से। गुलजार, बच्ची बिया हुजूर, धीरे धीरे सब समझ जाई।
नादिया के बुला दी। गुलजार के समझैया कि 200 रुपया ई महीना के पेश की हा। नाजिया। जी अप्पा। जमींदार साहब के बाहर बैठा दा महफिल में। जी। और बाहर जो सज्जन बैठल बानी उनकरा के अंदर भेज दा। अरे आई तशरीफ रखी। फरमाई। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में हमहू शामिल बानी। हमार नाम मुन्ना हवे। देश के हर कोठा क्रांतिकारी लोगन के मदद करेला, यही उम्मीद से रवा लगे आइल बानी। आज के रात हमके पनाह चाहिए। मुन्ना बाबू, ये फिरंगी सब कोठा के महफिल के उजाड़ देलन, यही से कोनो शरीफ आदमी कोठा पर नहीं खेवत। जब देखी तब अफसर सिपाही लोग तलाशी लेवे खातिर एहिजा आ जालन। हम माफी चाहता नहीं, हमरा के माफ कर दी। आदाब अर्ज है। आदाब। रउआ एजा आराम से रही। खाला डरेली फिरंगियन से। हमना हम तो वतन परस्त बादशाह बहादुर शाह जफर के ख्यालात से ताल्लुक रखेनी। जब एक बार एक अंग्रेज ने उनसे जेल में कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर, अब मयान हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह ने फरमाया, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आपके विचार जान के गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मुन्ना बाबू, हम तई अंग्रेजन के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे जे के हो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ई जंग में शामिल रहेला, हम उन लोग के हमेशा मदद करेला। हम तो क्रांतिकारी के पैर की धूल अपने माथे पे लगावेली। कहे कि क्रांतिकारी तो ऐजा कभी कभी आवेलन, लेकिन कोठा पे नथ उतारे वाला लोग ऐजा रोज आ जालन, और ई बात हमरा के पसंद नहीं खे। रउआ हिम्मत के हम दाद देता नहीं, लेकिन फिरंगी अफसरन के उत्पात के देखते हुए हमरा उचित नहीं खे लागत कि हम यहाँ पनाह लें। रउआ ऐजा आराम फरमाई। जैसे बहादुर शाह जफर अपना जिंदगी के आखिरी सांस तक अंग्रेजन के खिलाफ लड़त रहलन, वैसे ही हम भी अपना जिंदगी के आखिरी सांस तक क्रांतिकारियों के साथ रहब। ये है मुजफ्फरपुर का लालटेन बाजार, जहां लालटेन की रोशनी में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नाचने वालियां खड़ी रहती थीं। मुख्तार साहब, ये लालटेन बाजार में भी देख लेते हैं। अरे लालटेन बाजार की नाचने वालियां तो कोठा छोड़कर सड़क पर खड़ी होती, यहाँ क्रांतिकारी क्या छिपने वाले। एक काम करो, चतुर्भुज स्थान के कोठों पर चलते हैं, वहां हो सकता है हमको कोई सफलता मिले। चलो। चलो। कोई है? आदाब अर्ज है हुजूर, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? हमें यहाँ की तलाशी लेनी। मामला क्या है हुजूर? कुछ लुटेरे सरकारी खजाना लूट कर भागे हैं, हमें शक है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे हैं। ये कोठा है, यहाँ कोई भी आ सकता है, आप तलाशी ले सकते हैं। ए, चलो चलो अंदर चलो। जी साहब। ए, बंद करो ये सब, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हुजूर, ये सब का करता नहीं? जब देखा तब इस सिपाही लेके यहाँ आ जाता नहीं। हमार रोजी रोटी खराब मत करी, मेहरबानी करके यहाँ से चल जाई। ए, किस तरह बात कर रही हो? तुम हमको जानती नहीं? हमारा नाम हलवंत सहाय है, हम छपरा के मुख्तार हैं। छपरा से मुजफ्फरपुर तक हम वसूली करते हैं, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों तक हमारी पहुँच है। मुख्तार साहब,
हमनियों को पहुंच अंग्रेज के सबसे बड़ा हाकिम तक बा। दरभंगा नरेश भी आके कोठा पर माथा रगड़े लन। तुम कौन हो? ये हमारे कोठे के बड़े उस्ताद साहब हैं, बिलाल साहब। और ये है ये कोठा के आन बान शान, नृत्य संगीत के मल्लिका, मल्लिकाए गुलजार। और यहाँ कहीं ये कोठा के खाला, और ये जितना लोग भी बैठल बना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ संगीत से ताल्लुक रखे लालो। हमें तुम्हारे ऊपर शक है, लेकिन हमें तो कहीं से तुम उस्ताद नजर नहीं आते। मुख्तार साहब, ये अनेरिया मत बतियाई। हम अनेरिया नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मतलब की बात कर रहे हैं। हमें तुम कहीं से उस्ताद नजर नहीं आते हो, बल्कि कोई लुटेरा लगते हो। तो ठीक बाटे, हम रहुआ के दिखावत आनी अपन उस्तादी। तशरीफ रखी। आरज़ू ख्वाहिश मेरे अरमान बन गए, अनजान थे जो कल तक वही जान बन गए। मुलाकात है खिदमत में आज पेश जवानी तो दिल जीत लिया।
वाह उस्ताद जी वाह, आप तो वास्तव में लुटेरा निकले, आपने तो हमारा दिल लूट लिया। गौहर भाई ये लो 500 रुपया महीना गुलजार के लिए। मुख्तार साहब, गुलजार नृत्य और संगीत के दीवानी हैं। जिस्म फरोशी के ना रोवा इज्जत से अपन तशरीफ लेके जाएं। ए, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मुख्तार साहब, कोठा पर तलाशी लेवे अलबानी की लड़की के बेआबरू करे। रोवा के नृत्य और संगीत देखे के बा तो राउर स्वागत बा, न तो इज्जत से अभी चल जाएं। अब हमरा के कोठा पर से चल जाए के चाहिए। अच्छा तो जाए के तैयारी हो रहल बा। रवा सुतनी ना अभी तक? ले गया छीन के आज मेरा कौन सब्रो करार। बेकरारी ए दिल कभी ऐसी तो ना थी। उसकी आंखों ने किया कुछ ऐसा जादू कि मेरी तबीयत माइल कभी ऐसी तो ना थी। ना दूंगी दिल किसी को हमेशा यही सोचती थी, और आज ले गया वो और गुलजार सोचती रह गई। पहली मुलाकात में दिल लग गए, हम कोशिश करब कि तुहार विश्वास न टूटे। जाए से पहले कुछ कीमत तो चुका के जाए। स्वाभिमान के कोनो कीमत ना होला फिर हम कैसे चुका सकेनी। रउआ चुका सकता नहीं, ऊपर वाला जे रउआ के हुनर बख्श ले बा उकरा से फिर कभी। इस सुन के दिल के सुकून मिलल कि रउआ फिर आवे के चाहत रखता नहीं। लेकिन कल सुबह अंग्रेज ऑफिसर वापस आ जाए तब हम का कहब। रुक जाए रउआ। ठीक बा बाऊजी। अरे महिंदर आ गई ला। अरे खुश रहा खुश रहा। घरों पर ध्यान दा, तू तो दिन रात कलकत्ते भागल रह तड़ा। ठीक बा बाऊजी। माई याद कर तारी। जी बाऊजी। ठीक बा। गोला गतन किया। ले चला इनका के घर में। का हाल चल बा बटे सर? ठीक बा भैया। तबियत पानी सब ठीक बा ना? सब कुछ बढ़िया बा भैया। और गांव घर के सब का हाल चल बा? ठीक के बा भैया। उ का है ना गांव में डकैती बहुत बढ़ गई बा। खैर एकरा से गांव घर ना पूरा देश परेशान बा। चलो 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 नहा धो के शंकर भगवान के पूजा कर लें। ओम नमः शिवाय। 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 मुन्ना भाई गांवे आ गए बाड़ा तो एगो दुगो गीत हो जाए के चाही। कि खाली कलकत्ते में गाना बजाना होई? ना हो, अब जब इतना कहत अड़ जाते हो जा गाना बजाना होई। पर आज ना। अच्छा आज हमरा के कहीं जाए के बा। पहले ऐसन कभी ना होत रहला, लेकिन जब से गुलजार से मुलाकात भइल बा ऐसा लागेला कि हर पल हमरा के बुलावत अड़ी, आवाज दे अड़ी।
बटे सर। जी भैया। जय सुत्ता। ठीक बा भैया, प्रणाम। खुश रहा। ना दूंगी दिल किसी को, हमेशा यही सोचती थी, और आज ले गया वो, और गुलजार सोचती रह गई। जैसे समाना कोनो चोर हो, मन के बखरिया ए हो गुजरिया, तुम्हारे से भइल बयान जोर हो। तुम्हारा के पाके भाग जागल बा, आज जागल बा, जब तो पड़ेलू नजरी के सोझा, राखी देलू जान भर माके, अखिया में आँख डाली देखो ना सुरतिया, रहे जाने हम शर्माके। जब तो पड़ेलू नजरी के सोझा, राखी देलू जान भर माके, अखिया में आँख डाली देखो ना सुरतिया, रह जाने हम शर्माके। बिंदिया तो निंदिया ले भागल बा, आज भागल बा, छने छने मन है धन हो, हर घड़ी रह जननियारा, जान कहीं जाब तो बोलावे ला जान हो, सुनी के जुड़ाए जला जियारा। छने लछने छने मन है धन हो, और घड़ी रह जननियारा, जान कहे जाब तो बोला बेला जान हो, सुन के जुड़ाए जला जियारा। नेह के धागा में दिल तांगल बा, अरे तांगल बा, दिल पागल बा, जहिया से प्रेम रोकला गल बा, दिल पागल बा। वंदे मातरम, आपका एहतराम करती हूँ। वंदे मातरम।
लगता है रात की नींद हराम हो गई है। इस पे जफर साहब का एक शेर अर्ज है, खुलता नहीं है हाल किसी को कहे बगैर, दिल की जान लेते हैं दिलवर कहे बगैर। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, दिल में आग लगी हुई है, आग तो दोनों तरफ लगी हुई है। ये वो छोटा सा नजराना आपके खातिर। शुक्रिया। वैसे तो दोपहर में सभी लोग आराम कर रहे हैं और गुलजार का कमरा उधर है, जाइए दीदार कर लीजिए। जी शुक्रिया। शुक्रिया। प्रेम की नाव कुदाव फंसी, मनमोर मल्हार सलाह कहाँ है, अवसर था सो छूट गया, जल आवत जात न जोर रहा है। उम्र नदी इतनी उमगी सखी, जोबन के धन जात वहाँ है, कहे महेंद्र लाज तजो सखी, जब प्रेम कियो तब लाज कहाँ है। अरे मुन्ना बाबू आप, आदाब। आदाब नहीं, वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम। जो अगर मैं जानती प्रेम की ये दुख होए, नगर ढिंढोरों पीटती प्रेम न कीजे कोई। अब बन सवर के जो आ गए तो बाहर हुस्न दिखा गए, मेरे दिल को दाग लगा गए, ये नया शगुफा खिला गए। अब आ गए तो खाला से मिले ना, अमीरा जेजा पहुंचा दे लिया। पिछली बार तो रहुआ अंग्रेजन से छिपे खाते रही जायल रहनी, लेकिन अब कोई पूछी तो का कहब। कह दिया कि दिल के हाल सुनावे आयल रहनी। कोठा पर दिल ना जिस्म होला मुन्ना बाबू, जेकरा के भोगे खातिर लोग आवेलन और अपन सारा धन दौलत लुटावेलन, और दिल लगावे वाले से कोठा वाली दिल ना लगावेली। राव रेजा आयल खाला के अच्छा ना लगी। एक खाला के दे देगा अपने रहुआ, अपने हाथ से दे दे मुनके। ये आपके खातिर। रहुआ भी दूसरन की तरह हमरा के खरीदे के चाहता नहीं। ना ना गुस्ताखी माफ करी, एगो छोटा सा नजराना बटे आपके खातिर, स्वीकार करी, हमरा दिल के सुकून पहुंचे। रउआ आयल बानी ता पूर्वी गाना सिखा दी गजल के साथ, हम चाहत बानी कि हम अपन महफिल में राउर पूर्वी गीत गाई। जी आज हम तोहरा के आपन लिखल दूगो गीत सुनाई, ध्यान से सुनिए और सीखिए। जी पहला बाटे, अंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदे भैया के बुला दो, और दूसरा गीत केहू गोदवाला हो गोदनवा। अरे वाह, हम तो समझ ले रही कि रउआ सिर्फ गावे ली और बजावे ली, लेकिन रउआ तो गीत भी लिखे ली। हमरो के अपन गीत सिखा दी, हमरा और गीत के अपना दिल में संभाल के रखब। कि अंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी भैया के बोला दे, भैया के बोला दे अपना दियावा जरा दे, भैया के बोला दे अपना
दियावा जरा दे कि नसे उठाता लहरिया रे ननदी भैया के बोला दे भैया के बोला दे। मुन्ना बाबू आप भेजा मुन्ना बाबू अंग्रेजन के अच्छा से पता बा कि आप एक कोठा के सबसे बड़ा उस्ताद हैं लेकिन आपके बाहर आवे जाए से आपके खातिर भी अच्छा ना रही और हमनी खातिर भी ठीक ना रही आप जीनी देश के खातिर लेकिन हमनी के जियेली अपना पेट के खातिर खाला भगवान ना करे एक कोठा के कोनो भी आदमी जासूस से मिल जाए और आपकी खबर अंग्रेजन तक पहुंचा दी तो आप खातिर अच्छा ना हुई ऐसे हम चाहता नहीं कि रउआ यहां से तशरीफ ले जाए और हमरा गुलजार के एकरा गजल और गीत के साथ छोड़ दी एकरा के पूर्वी मत सिखाई खाला बात कुछ और होला और बयां कुछ और करेलू ऐसन सितम मत करा खाला यहाँ के सिखावे दा गुलजार हम इनका भलाई खातिर कहता नहीं खाला हम यहाँ के बहुत इज्जत करीला मुन्ना बाबू आप यहाँ से चल जाई और हमनी के हाल पे छोड़ ना खाला ऐसन मत कर खाला मुन्ना बाबू हमारी बात सुनी गुलजार मुन्ना बाबू नहीं चुप हो जा आज से हमारा सारा कारोबार का मालिक हलीवंत सहाय है जो हमारे छपरा से मुजफ्फरपुर तक लगान वसूल करने में ब्रिटिश हुकूमत का मदद करता है जब से हमारी वाइफ का डेथ हुआ है हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम संन्यास लेना चाहता हूँ और रिबेलगंज जाना चाहता हूँ इसलिए थैंक यू हमने जब से होश संभाला है और आज जो कुछ भी हम हैं सब रिबेल साहब की कृपा से हैं इसके लिए मैं इनका धन्यवाद कहता हूं और इनके आगे नतमस्तक चलें सर आपकी गाड़ी तैयार आदाब अर्ज है हुजूर आपकी खालाजन कहाँ उनसे मिलना है आइए चलिए क्या है मेरे आपा आपा क्या है? मुख्तार साहब आदाब अर्ज है मुख्तार साहब आदाब है तशरीफ रखी जी शुक्रिया जिनसे थी महफिल में रौनक आज वो फिर महफिल में आए हैं हमें जिंदगी में हर खुशी मिल गई आपके आ जाने से जिंदगी मिल गई माशाल्लाह वाह क्या बात है आज आपके वो बड़े उस्ताद दिखाई नहीं दे रहे ये नाच गाने वालन पर कभी भी भरोसा मत करी मुख्तार साहब सुन ले बानी कि आजकल वो आगरा में बाड़न खैर आप बोली का पेश करी अरे खिदमत तो आपकी हम करेंगे दीजिए साहब ये लीजिए पेश कर शुक्रिया 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 अब बोली का पेश करी अरे हमारा तो मुजफ्फरपुर आना जाना लगा ही रहता है बहुत दिनों से गुलजार की आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी उफ तो सोचा कि आज दीदार भी करते चलें जी बिल्कुल दियावा जरा दो ननदी भैया के बुला दो अंगूरी में टसले पिया नगिनिया रे ननदी दियावा जरा Yeah.
मोहब्बत के एहसास ने हम दोनों को छुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने किया था और हमको हुआ था। तड़पे लदहिया जैसे जल बिन मछरिया, तड़पे लदहिया, तड़पे लदहिया, तड़पे लदहिया जैसे जल बिन मछरिया। की रेंगनी के काट भइल से जरिया रे न नदी भैया के बोला ले पिया नगनिया रे ननदी भैया के बोलागा अंगूरी में डस ले पिया नगनिया हाय राम नगनिया रे ननदी भैया के किया ना याद कभी भूल कर हमें, तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। झूठ भइल ओझावा के झाड़ फूंक मंतर, अब तो जियब जब उहे दी है जन वाह ई रहल बख्शीश। मुख्तार साहब, गुलजार के कलाई पकड़े के हिमाकत आज तक केहू नहीं खे कैले। मैं कर सकता हूँ। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए और मेरी कोठी पर नाचोगी। बोलो कितना रुपया चाहिए? फिजा में उड़ती हुई खुशबू के मुट्ठी में कैद करे के कोशिश मत करी। मैं फिदा में उड़ती खुशबू को इस मुट्ठी में कैद कर सकता हूँ? मुख्तार साहब, यहाँ सब लोग तमीज सिखियावेलन, रउआ तो बदतमीजी पर उतर गई नहीं। रउआ बाइज्जत यहाँ से तशरीफ ले जाई और आइंदा यहाँ आवे के कोशिश मत करब। गोहर भाई, तुम भी देख लेना, एक दिन मैं गुलजार को अपनी कोठी पर नचा के रख। अदा बरसे। चल जी। राम राम मुख्तार साहब। अरे प्रणाम प्रणाम। खुश रही खुश रही। और बताई खेती बारी कैसन चलत? खूब बढ़िया चलता, धान रोपा गईल बा। अच्छा अच्छा, ई के बड़न? ई हमार बड़का बेटा महेंद्र हुआन। अच्छा अच्छा। इनकर माई इनके प्यार से मुन्ना कहेली, हमनी के मुन्ना बाबू। अच्छा, आज तुम पहली बार देखा थे, कब लेके आईला नहीं हवेली पर? यही खातिर तो लेके आई नहीं, एगो काम रहल रहुआ से। बताई बताई। ई मुन्ना बाबू हमेशा कलकत्ता भागल रहेलन गाना बजाना में, हम चाहता नहीं कि रउवे कुछ काम दे देती इनका के। अरे काम का क्या बात हो, हमरे लड़का की तरह रहियन कोठी पर ही, समझ ला ना। और मुन्ना बाबू, ये कोठी आपे का हो, आवा यहाँ, इतना बड़ा काम काज हो, हमार जमींदारी हो, देखे कलकत्ता जाके कौन जरूरत है तुम्हारा है जी। वाह, जा पैर छू के प्रणाम कैला, पिताजी के समान बड़े। आशीर्वाद ढंग से दे दी। हाँ हाँ जी जी, बस कल से भेज दें के कोठी पर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप हमके नहीं खी पहचानत, लेकिन हम आपके पहचानत बानी। जासूसी करके आपके खजाना हम ही लुट ले रहा ली, और अब ये अंग्रेजन के अफीम कोठी के भी खत्म कर दे। महेंद्र बबुआ जी, हम विवेकानंद जी की अभियान से बहुत प्रभावित है।
जेम्मे उ कहले बाड़न की एगो तवायब के धंधा से निकाल के ओकर शादी ब्याह करके ओके सामाजिक जीवन जिए का अधिकार दिया जाए। बिल्कुल सही कहा तानी, स्वामी जी के ये अभियान देश के हित में बा। पर आप हमरा से तवायफ के बात काहे करत हैं? काहे कि हमो एगो तवायफ के कोठा के दलदल से निकाल के ओकर उद्धार करे के चाहता नहीं। उद्धार के बात तो ठीक बटे, पर का तवायफ तैयार बिया? ना वो तैयार न बिया, बाकी तू अगर तू ओकरा के उठा के हमरे कोठी पर पटक देबा तो समझ ले ओकर उद्धार तो अपने आप ही हो जाए। बात तर और ठीक बटे, लेकिन कोना कोठा से भैया? मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान से गुलजार नाम होकर। हाँ भाई, वो कोठा पर और भी नाचे गाय वाली बाड़ी से, फिर गुलजार ही काहे? अरे काहे से कि वो जिस फरोसी के धंधा ना करे ले, एको कलाकार भी है, बस ये से मुकर उद्धार करे के चाहता नहीं। हमके का करे के पड़े? वो सब हम तोरा के बाद में बताए। चलो मुंशी जी। जी देखिए, गाजीपुर से कच्ची अफीम आ गई है ना जी, उसको गोदाम में रखवा दीजिए और दो सिपाहियों का वहां पर पहरा लगवा दीजिए। फटाफट ये काम करिए, जाइए। जी साहब। हाँ साहू जी, आप एक काम करिए, गुलजार के मुजफ्फरपुर से छपरा बुलवाए। वो काहे खातिर? अरे काहे खातिर का, बस नाच गाना बदे और काहे। एक काम करी, आप अपने चार पांच खास लोगन के लेके मुजफ्फरपुर चल जाए। आप तो नीचे रहे, आपके कोठा पर न जाए के हम अपने दो तीन खास आदमी के ऊपर भेज दिए और उनसे छपरा का सट्टा लिखवा लिए मुंह मांगी कीमत पर। गुलजार मना न करिए, आए के तैयार हो जाए, समझ गए ना? साहब चलो। 500 रुपए का साटा पक्का। 500 रुपया? 500 रुपया तो बहुत होला। देखी जमींदार साहब, 500 रुपया से 1 रुपया कम ना ले। दे दो। ना ना, नाच गाना से पहले पूरा पैसा, नाच गाना के बाद केहू पैसा ना देला। जिया जिया लाला। मुजफ्फरपुर से छपरा तक आवे जाए के जितना भी खर्चा हुई वो रउआ देवे के बा। मंजूर। ठीक बाटे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कोठे वालियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के डर से लोग कोठे पर नहीं जाते थे। इसलिए कोठे वालियों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सत्ता पर नाचने गाने के लिए गांव में भी जाना पड़ता था। याद बानू दरभंगा में कैसे गुलजार आपा महफिल जमा ले रहली? अरे अब की छपरा में भी जमा दी है। खाला गुलजार नाजिया, खाला ये सब के हा? खाला नाजिया, छोड़ दा हमरा के। खाला अब हमने के पहुंचाई? गुजार के हैं आप लोग और का चाहिए आप लोग के? देखिए, इन सभी लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद ये होगा कि आप बिना नाटक किए हमारे साथ चलें। खाला, वरना आपकी वजह से सारे लोग मारे जाएंगे। ना गुजार, खाला ये क्या करता है? छोड़ दो हमरा के।
मुख्तार साहब आप? हमने कहा था ना कि एक दिन तुमको कोठी में नचा कर दिखाऊंगा। रउआ हमरा के कोठी में तो कैद कर सकता नहीं, लेकिन हमरा दिल में कबो आपन जगह नहीं बना सकत। निकल जाइए यहाँ से। ठीक बा, हम भी तरह के वही दिन हाथ लगाई जैया तरह दिल में हमरा खातिर जगह बन जाए। गुलजार, गुलजार, खाना खा लो, दरवाजा खोलो। गुलजार खाना खा लो, गुलजार दरवाजा खोलो, गुलजार खाना खा लो। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आया हूं। मुनिया जी, एक काम कर, तू यहीं पर बैठ और जब तक वो खाना ना खा लेना तब तक बैठी रहना। जी मालिक। कपड़े वहां रख दो। गुलजार दरवाजा खोलो, चलो। मेम साहब, यहाँ से बाहर जाके कोशिश मत करी, काहे कि साहब की मर्जी के बिना यहाँ से केहू नहीं खे जा सकत। आप खाना खा ली मेम साहब। एगो लड़की होके तू हमार मदद ना कर सकेलू? मेम साहब, हम आपकी मदद जरूर करब, लेकिन आप यहाँ से बाहर मत जाएं। देखनी मुनीम जी, मालिक अपना खातिर कोठा से एगो लड़की उठा लेने, और हम इतना दिन से चाहता नहीं मुनिया से ब्याह कर ली, लेकिन हमरा बारे में कोनो फिक्र नहीं खे। ए मुंशी जी, रउआ खोबना के समझाओ तो कहने की मुनिया से हमार ब्याह होई, और अगर दूसर के बीच में आई तो हमरा से बुरा कोई ना होई, बता देता। मुनिया जी के समझा दी, हाँ ना तो हमार ना खोबन है, खोब देवी भलवा हम बता देता। अरे मर्दे, ए गो अनार, अ तू लोग दुदुगो बीमार? अगर ऐसन बात बा तो तू लोग जाके मुख्तार साहब के सामने आपन आपन उम्मीदवारी पेश करो। ना 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 ना, ना, ना ई का खतरा। मुन्ना बाबू, ये सब जौन भी कुछ आप हमरे खातिर करले वाला ना, याद रखा, और कोई भी नहीं कर सकत रहल। हाँ मुख्तार साहब, सोचत रहनी हाँ कि अपना दोस्त लोगन के साथे हम हूँ गाँव चल जाएं। ना ना, अभी जाए का कोनो जरूरत नहीं, अपने दोस्तन के भेजता। अब आपके काम हो गए बटे हमरो के जाए दें। ना मुन्ना बाबू, अभी थोड़े दिन और रुक जा, अपने दोस्तन का विदाई कर दे, ठीक है ना? ठीक बा। हाँ मुख्तार साहब, कोठा वाली के उठवा लेना, अब हमनी की गांव ही चले के चाहिए। ठीक बा। अरे मुन्ना भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ऐसा बा कि तो हम लोग गांव चल जा, जा। हमरा के कुछ दिन इजा रुके के पड़ी, आपन आपन ख्याल रखिए लोग, है ना? महेंद्र बबुआ जी, ई मुख्तार साहेब रउआ दोस्त के विदाई खातिर दहला ना मिठाई खाए खातिर, और ई रउआ रख ली। मुंशी जी, ई दोनों हमरा दोस्त लोगन के दे दी, हम के ना चाहें। जी महेंद्र बाबू। हम जाता नहीं जी। प्रणाम। जाके कपड़ा बदल लो लोग, फिर छोड़ के आवता नहीं। बंदे! बंदे!
की बेर आवे में बहुत दिन लाग गए। जी मुंशी जी। और रिबेल साहब रिबेल गन चल गए लन। मुख्तार साहब तो है ना। हाँ साहब हैं। आई। हाँ। साहब। अरे केसर भाई, आप ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई? हुजूर, जब तक आपकी महफिल में मुजरा ना हो जाए, दिल को सुकून नहीं मिलता। आह क्या बात है। मुझको ले चलो उस जहां में, जहां जाने के बाद न रहे कोई ख्वाहिश बाकी। वाह मुख्तार साहब। मुंशी जी। जी। सजा दीजिए जलसा घर, हर शाम शुरू हो मेरे टूटने के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी साहब। जाइए, देखिएगा मुन्ना बाबू। आदाब अर्ज है हुजूर। आदाब आदाब। ये लीजिए। शुक्रिया हुजूर। उस्ताद जी क्या हुआ? या अल्लाह, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे ले जाइए भाई, इनको हकीम साहब को दिखाइए। चलो उठा भाई। अरे केसर भाई, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बख्शीश है ना, वो दी जाएगी। तब तक एक काम करिए, बिना साजो सामान के ही कुछ सुना दीजिए। मुख्तार साहब, अगर केसर भाई के नाचे और गावे के बटे तो तबला हम बजा देता नहीं? बहुत बढ़िया। गुस्ताखी माफ है मुख्तार साहब, लेकिन केसर की महफिल में कोई और बजाने गाने की हिमाकत नहीं करता। केसर भाई, महफिल उजड़ जाए उससे तो अच्छा है कि मुन्ना बाबू के साथ जम जाए। देखते हैं। आपकी गुजारिश सराखों पर हुजूर। आइए आइए मुन्ना बाबू, चलिए। आदाब अर्ज है। आदाब, लेकिन तोहरा के भाषा कैसे आई? बनारस के बाई जी लोग जब यहाँ आवे लन ना नाच गान करे खातिर, हाँ? तब रिवेल साहब और मुख्तार साहब बोले लन, वे देख के हम भी सीख गई नी। अच्छा, तो तू जहाँ से देखे लो, हाँ? का ओजा हमारा के ले जा सके लो? फिर अब अकरे बात खाना खा लेम ना मेम साहब? ना, मुख्तार साहब के यहाँ कुछ ना खाई, लेकिन तू हमारा के दिखावा ना अभी। अच्छा ठीक है, चले। चला। तान पे नाचेला घुंघरू छम छम बाजे, हुस्न तान पे नाचेला घुंघरू छम छम बाजेला, कारी अखिया से बिजुरी गिरा के, कारी अखिया से बिजुरी गिरा के, जान ले लेनी जलवा देखा के, जान ले लेनी जलवा देखा। पंछी उड़ उड़ के हमरे डाल पे बैठेला, धन दौलत के महारथी भी हमरा से नाइठेला, सब हमसे करे निहोरा बैठावल चाहे कोरा, लोग चाहे ला बहकावल कब बहके ना मन मोरा, रात भर खाती राजा बना के, रात भर खाती राजा बना के, जान ले लेनी जलवा देखा के, जान ले लेनी जलवा देखा के।
छलके यौवन हर आह से आहत तन मन हर केहू के मन बहलाए हर शाम से बिखरे जीवन छछना हवेली खुशबू सुहा के छछना हवेली खुशबू सुहा के जान ले लेनी जलवा देखा के जान ले लेनी जलवा देखा अब तरवा ठीक बानी ना खुश बानी ना मेम साहब हम आपके सेवा टहल सब करब ठीक बा मुनिया लेकिन अगर साहब पूछिए कि हम ये सब देख ले बानी तो उनके बता दी हाँ हाँ मेम साहब मुनिया मेम साहब ने नाच गाना देखा क्या हाँ साहब गुलजार खाना खा लो गुलजार बाहर आ जाओ अरे किसी में इतना दम नहीं है कि तुम्हें इस कोठी से निकाल कर कोठे पर पहुंचा दे मेरी बात मानो बाहर आ जाओ अगर इतना ही दम रहे तो हमरा के चोर की तरह काहे लेके आल बानी और हमरा के यहाँ लाके दूसर नाचे वाली के बख्शीश में हार देता नहीं अगर हम मर भी जाए तो रोवा के का फर्क पड़ी पहले जाए और तबला बजाए वाले के लेके आए तबला बजाए वाले के अरे वो तो हमरे जमींदारी का काम देखे वाले मिसर जी का बेटा ओके लिए आई लो पहले उनका के लेके आए तबे हम खाना खाए अच्छा ठीक है ए थाली मुनिया के देता चला एकर मतलब ई बा कि ई देशद्रोही वो क्रांतिकारी के बारे में कुछ नहीं खे जानत ई तो उनका के ठीक से पहचानत भी नहीं खे अब गुलजार के सामाजिक जीवन की शुरुआत हो जाए अरे मुन्ना बाबू अरे भाई तू तो कमाल कर देला जौन गुलजार दो दिन से दरवाजा न खोलत रहे बात न करत रहे तोरे तबला बजाए से इतना खुश हो गल बिया कि तोरा के मिले वदे बुलाव दिया मुख्तार साहब हमरा के लेके मत जाएं बल्कि गुलजार के साथे ब्याह करके सामाजिक जीवन बिताएं अरे भाई जब वो जिंदा रही तब न होके सामाजिक जीवन दे दो दिन से न तो कुछ खाइले बिया न तो पीले बिया बस एक बार तोरा से मिले के चाहता चल के सुन ला तोरा से का बात करे के चाहता आवा आवा मुन्ना बाबू आवा गुलजार हाँ देखा के आयल हो उस्ताद जी आदाब बर्ज है नाचे वाली राउर तबला के थाप पे नाचते नाचते गिर गई का हुनर बख्श लेवा परवरदिगार रगुआ के मुख्तार साहब हाँ हमेजा रुक सके नहीं अगर ही हमरा के नाचे गावे के रियाज कर रही है तभी हो सकेला ना हो सकेला कहे वो काबा मुख्तार साहब के रोज सवेरे नहेला धोहेला के बाद सबसे पहले हम शंकर जी के मंदिर में जाके उनका के जल चढ़ावे नहीं ता इमे कौन बड़ बात बा मुख्तार साहब
यह वे शिवाले बनवा दी है हाँ ना? हाँ हाँ बनवा दे बनवा दे। इन्हें क्या हो सका मुख्तार साहब, अगर ऐसा ना हो तो तब हम खाना पीना छोड़ दे और अपन जान देते। ना ना मुन्ना बाबू, इनका जान तोरे हाथे में। हाँ कुछ करी मान जाई। मुन्ना बाबू, मुख्तार साहब राउर जुबान खाली ना जाई, खाना खा लीजिए, कल से तोहरा के गीत और संगीत का अभ्यास करे के बा। ठीक बना। यार रब, बात मत पूछ क्या खोया क्या पाया है, एक पल में ले गए वो मेरे सारे गम, ये कैसी तेरी साया है। अब तुम गावा। सारे गा मा पा धानी सा। उल्टा ना सीधा जाए के बा। सारे सारे गामा पधनी सकर हम आवा तनी। रख दो। जी आइए महेंद्र बाबू। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। कितनी मतलबी हो गई है मेरी ये आंखें, बिना आपके दीदार के इसे ये दुनिया अच्छे ही नहीं लगती। शाबाश हरिवंश सहाय बाबू। खूब मौज मस्ती हो रहा हलवाई कोठी में एक कोठे वाली के साथ। अरे वो रिबेल था हमरा सहाय खानदान के ना बा, लेकिन हम अपने सहाय खानदान के नाम के ना डूबे देव। अरे पूरे छपरा में हल्ला बा कि आखिर तू एक ठो कोठे वाली के उठा के ये अपने कोठी में लाके धर दे ले बा। अरे नाक कटा के रख दे ले तू खानदान के। गुलजार रुआ बैठ जाए। हर लड़की के एगो इज्जत होला, तजवान संभाल के बात करा जा। एक कोठा वाली के कोठा वाली ना कही तो का कही। ई के हवन साहब, बाई जी के तबला बजावे वाला हवन का। और मारिए मुन्ना बाबू ही लोगन के, इतना मारिए कि दोबारा इधर मुंह न करे। मार ले जितना मारे के बाद मार ले, लेकिन हम ही नाचे वाली के कोठी से भगा के रहा। चुप मुख्तार साहब, कौन हवा सही कुल? मुख्तार साहब हमने के चचेरा भाई हवा। हाँ। और तू के हवा? मुख्तार साहब आपके इजाजत होके तो हम बता दिए दोनों के कि हम के हैं। अरे अच्छी तरह बता दे, इतना मारा ही लोगन की दोबारा हवेली की तरह मुंह न करे ही लोग। मारे ही लोग मुन्ना बाबू और मारा चमड़ी उधेर दे लोग के और मार। भवन भाला देबा खैलो। माफ कर दो माफ कर दो, अब हमी कोठी में ना आए। हमनी कोठी में ना आए जा। छोड़ दो हमके, हमने के छोड़ दो ज्यादा
आए ललन कोठी में हिस्सा ले। जिंदगी चाहत अड़ जा तो दोबारा कोठी की तरफ मत पलटी हजा। वंदे मातरम मुन्ना बाबू, आपके दोस्त आयल बाड़न। राम राम मुन्ना भाई। अरे राजेश जी। बैठा। का बात बा मुंशी जी, राउर तो पूरा मिजाजे बदलल बा। महेंद्र बाबू, पूरा देश में वंदे मातरम के बयार बह रहल बा, यही से हमरा मुंह से भी निकल गई ल। अच्छा रहुआ जाई, हम रहुआ से बाद में बात करो। वंदे मातरम महेंद्र बाबू। कहो राजेश भाई जी, स्वामी जी आयल बनी। फिर तो जाए के पड़ी। चले के तो पड़ी, बहुत विशेष बात बा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नारायण नारायण। आपके आदेश मिलल, तुरंत भागल भागल आ गई नी। बताई का आज्ञा बटे? हमरे जानकारी के अनुसार महेंद्र यहाँ ठहरल ठीक नहीं खे जी, खतरा से खाली नहीं खे जी। हमने के आज रात ही कलकत्ता के यात्रा पर निकले के पड़ी जी। यात्रा तोहरा खातिर और तोहरे आसपास के क्रांतिकारियन खातिर बहुत ही लाभदायक रही। जो आज्ञा स्वामी जी। इसके बाद महेंद्र मिश्र स्वामी जी के साथ कलकत्ता चले जाते और अफीम कोठी में मुख्तार गुलजार के साथ मनमानी करने लगता है। तुम यही रुकना, मेरे पीछे मत आना। जी मालिक। गुलजार। ए गुलजार, दरवाजा खोलो। गुलजार, दरवाजा खोलो। गुलजार। साहब, रवा जाई यहाँ से। ए, तोर हिम्मत कैसे भरे से बात करेगा? हाँ, मेम साहब बोल ली है। अच्छा, मेम साहब बोल ली। भाई दरवाजा खोल। साहब, मेम साहब ताला मार के चाबी अपने पास रख ले बड़ी। गुलजार। हाँ। कब तक क्यों मुन्ना बाबू का इंतजार करती रहोगी? अरे वो आज गए हैं तो कल आ भी जाएंगे। चलो नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारे लिए साजिंदों का इंतजाम कर दिया है, तुम चाहो तो नृत्य का अभ्यास कर सकती हो।
दरवाजा खोलो। गुलजार दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गुलजार। मुख्तार साहब, रउआ हमरा खेजे न जावे खातिर तो ले आइल बनी, लेकिन एकरा से आगे बढ़ब तो ये कोठी से कूद के हम अपन जान दे दे। चल जाए यहां से रउआ। कुछ महीनों बाद बटे सर, महेंद्र मिश्र अरे भैया कलकत्ता से वापस अपने गांव आ जाते हैं। काल चाल ठीक बा भैया? अब की बहुत दिन लगा देला भैया कोलकाता में। हाँ एवरी बहुत दिन पैनी है, लेकिन बहुत बड़हन चीज लेके आनी है। पकड़े कहा भैया का हवे राती के बताए संभार के रखी है। ठीक बा भैया। आजा तनी मीठा पानी लेके आवा। ठीक बा जा। भैया भैया उजन मशीनिया लेके आइला है, ओसे हम एगो नोट छपनी है, बुझाते नहीं के कि नकली है। हाँ देखो हाँ हो एकदम असली नियर लगा था। हाँ भैया ए नोट के बारे में हम जाना तानी कि नकली बा, तोहरा के मालूम बा कि नकली है, बाजार में केहू के पता ना चली। बाकी भैया ये मशीन मिलल कहाँ रुआ के? कलकत्ता में एगो अंग्रेज बाटे जो नोट छापे के टकसाल में काम करेला। अच्छा। ओकर पिताजी अंग्रेज हवा और माई भारतीय, ए नाते भारतीय क्रांतिकारियन से ओकरा के बहुत लगाव बाटे। संजोग से एक दिन कार्यक्रम में हमार गाना सुनलस और खुश हो गए। ओकरा के इहो पता चल गए कि हमहू क्रांतिकारी बानी, तो हमरा से और स्वामी अभ्युदानंद जी से मिल के ये नोट छापे वाली मशीनियाँ हमरा के दे दहलस। अब तू देखिए हम नोट छाप छाप के अपना क्रांतिकारी भाइयन के मदद करब। अब बटेश सर गलती से भी केहू के मशीन के बारे में पता ना लगे के चाहिए। ठीक बा भैया, केहू से ना बताए, बाबूजी से भी ना बताए, थोड़ा विश्वास करी हमरा पर। ठीक बा जा आराम कर। जी भैया। हाय धा दिया। ठीक बा भैया। महेंद्र मिश्र हर एक महीने की अमावस की रात को नकली नोट छापने का काम अपने भाई बटेश्वर मिश्र के साथ करते थे और उन रुपयों से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। अरे मुंशी जी। वंदे मातरम महेंद्र बाबू। वंदे मातरम। कहाँ जाता नहीं महेंद्र बाबू? रउआ बिना बोलले बतियावले कोठी से बाहर चल गई नी, तनिको सोचनी कि मेम साहब के का हाल हुई। अरे मेम साहब के का हुई, उनका के कोठा पर से निकाल के कोठी पर पहुंचा देनी, सुख चैन से रहिए ईजा। महेंद्र बाबू मेम साहब कोठी में कहाँ रहेली, उ तो दिन रात द्वारा पे खड़ा रह के राव राह नहीं आ रही। खैर रउआ कहाँ जाता नहीं? रिवेल साहब आवे वाला बाड़न। रिवेल साहब के है? उहे रिवेल साहब जे हलवंत सहाय के पाल पोस के मुख्तार साहब बना दे हलन और अपन बीवी के मर जाए के बाद
सन्यासी बन गईलन और अपना सारा कोठी अफीम के बिजनेस सब उनका के धरा देलन। उहे आज आवे वाला बाड़न। उ नाच गाना के भी प्रोग्राम बा, हम वही खातिर जाता नहीं। जय मुन्ना बाबू, मेम साहब आपके राह निहारत हुई है। जय। गुलजार, इतना बड़ा कोठी के मालकिन होके भी खुश नहीं खू? आखिर कहाँ है? रुआ हमरा के कोठा से उठा के कोठी में तो ले आ दीनी, लेकिन हमार हाल कोठा से भी बदतर हो गई बा। मुख्तार साहब यहाँ रोज अपन दोस्तन के सामने हमरा के नाचे गावे खातिर ले आवेलन, और आज तो कोई रिबेल साहब आ रहल बानी। हम तो सोचले रहनी कि सीढ़ी से गिर के अपन पैर तोड़ ली, न हम चल पाए और ना हमरा के देखी ही। लेकिन हमारे दिल सुबह से कहत रहे कि आज रोवा जरूर आई, और देखी ना रउआ हमरा सामने खड़ा बानी। आज हम रउआ खातिर नाचब, लेकिन कसम खाई कि हमरा के छोड़ के अब कहीं ना जाए। बोली हमार कसम खाई। वाह वाह मुन्ना बाबू वाह, जौने थाली में खा ला वही में छेद करेला। मुख्तार साहब, मुन्ना बाबू हमरा के छू का देलन तो रौरा तन बदन में आग लग गई, और जब राउर अंग्रेजन के दोस्त हमरा बाल में गजरा लगावे ले तब तो बहुत मुस्कुराई ले रहुआ। मुख्तार साहब, रउआ गुलजार के अपना कोठी में लेके आयल रहनी धर्म पत्नी बना के रखे खातिर, अंग्रेजन के सामने नचावे खातिर ना। मुन्ना बाबू, तू हमरे बचपन का गरीबी ना देख लिया हुआ। एक एक रोटी के लिए तरसत रहल हमार बचपन। बचपन में ही माता पिता का साया उठकर चाचा का लड़का लोग हमरा के मार मार के घर से बाहर कर दिला। हमार मामा ही हमरा के रिबेल साहब के नौकर रखवेलन। हमरे खून में रिबेल साहब का ही दिहल सब कुछ दौड़ रहल बा। अभी खून उन्हीं के काम आई। रिबेल साहब सिपाहियन के भर्ती करे खातिर यहां आए वाले पड़ा, और उनके पता लगल कि गुलजार एगो तवायब बा, तो उनकरा के नाच देखे के छा भाई, तब हम हाँ कर दे। आपके रिबेल साहब अपन सन्यास छोड़ के ब्रिटिश हुकूमत खातिर सिपाही बनावे में जुट गए बाने, लेकिन रउआ का करता नहीं अपना देश खातिर? अरे रउआ भी उहे कुल काहे नहीं की करत जौन वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी लोग करता। एकर मतलब कि हम अपने पत्नी और देश के साथ गद्दारी कर रहल बानी? रउआ जौन कुछ भी कर रहल बानी उस सरासर गलत बाटे। हमार दाव कुदाव लागल मुख्तार साहब। लेकिन हमार दाव तो उल्टा पड़ गए महेंद्र बाबू। मुख्तार साहब, आप सरासर झूठ बोल रहल बानी, वादा खिलाफी कर रहल बानी। मुन्ना बाबू की कोठी और गुलजार के दिल से बाहर कैसे निकालल जा सकेला? मुंशी जी। जी साहब। रिबेल साहब बिल्कुल समय पर आते हैं, जाकर मेम साहब को कह दीजिए तैयार हो जाएं। जी साहब। मेम साहब, साहब बोली हैं कि आप तैयार हो जाएं, कहे कि रिबेल साहब समय से आ जाई हैं। क्या कहला सु? मुख्तार साहब,
रउआ अभी भी रिबेल साहब के चिंता लागल बा। मुन्ना बाबू कितना महीना बाद आयल बाड़न, लेकिन उनकर कोनो चिंता नहीं खे। वो खाना खैलन की ना वो कैसन बाड़न। रउआ सुन ली, अगर मुन्ना बाबू खाना ना खाइए तो हम नाच गाना ना करब। मुंशी जी, जी जाकर तीन आदमी का खाना लगवा, हम लोग साथ में खाएंगे। जी सर। वेलकम सर। बैठो। प्रणाम। ये कौन है? ये महेंद्र बिसिर है, बहुत ही हुनरमंद है। तबला बजाने में और गायकी में इसका कोई जोड़ नहीं। आपकी जमींदारी का काम देखने वाले शिवशंकर मिश्रा का सुपुत्र है ये। आज की रात में जो कार्यक्रम होना है उसमें ये भी अपना हुनर दिखाएगा। तुम इतना बड़ा पंडित है, हमारा पैर छूता है? आप एक देशभक्त हैं और देशभक्त का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क किसी भी हुकूमत का हो। आपकी धर्मपत्नी के मरने के बाद आपने संन्यास ले लिया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत पर जब संकट आया तो आपने संन्यास छोड़कर ब्रिटिश फोर्स में हिंदुस्तानी जवानों की भर्ती शुरू कर दी। आप जैसे देशभक्त का पैर छूना मेरे लिए गर्व की बात है, और फिर बड़ों को इज्जत देना हिंदुस्तानी सभ्यता है। ये हमारी मेम साहब गुलजार। मेम साहब, मैं मेम साहब। तुम मुख्तार की मेम साहब हो, हमारी बहू हो, और हम हमारी बहू को मोर्डेखाई के रसम में बहुत कुछ देगा। जी जी आइए चलिए। शी इज माई वाइफ एनी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। उसका बहुत सारा गहना है जो मैं आपको। मोर्डेखाई में देना चाहता हूं। शुक्रिया। ये हवेली मेरी वाइफ को बहुत पसंद थी, ये भी मैं आपको मुंह दिखाई में देना चाहता हूं। आज से इस हवेली की मालकिन तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया रिबेल साहब। यू वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम त लिख ले बानी तोहरे नामे आपन जिया। हमारे अंग अंग में मातल बमन मिलन के उमंग में, मातल बमन मिलन के उमंग में गोदा 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 खली पाई गुदनवा हमारे अंग अंग में। Thank you.
लागे मधुशाला चित चोर अखिया लगे कोई लर से मीठी ओ तोहार बतिया बीते जिंदगी प्रीतम के संग में अरे बीते जिंदगी प्रीतम के संग में गोदा 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 खाली फाइल गोदनवा हमारे अंग में गोदा 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 खाली फाइल गोदनवा जिंदगी तू बन के तू मोहब्बत के बयारी या चलाई दी हालू छाने भर में तू तो यापन बनाईली आलू जीते के बाप प्रीतिया के जोंग में गोदा गोदा खाली फाइन गोदनवा हमारे अंग अंग में गोदा 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 खाली फाइन गोदनवा इनके अंग अंग में अरे गोदा 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 खाली फाइन गोदनवा हमारे अंग अंग में कुछ भी मेंटेन नहीं किया है। गाजीपुर से कितना कच्चा अफीम आया, पटना कितना फैक्ट्री में गया, कुछ भी मेंटेन नहीं किया। तुम शराब और शबाब के नशे में सब बर्बाद कर दिया। गुलजार, ये सब अब तुम करोगी। जी। मुंशी जी, तुम सब इसको बता दो। जी साहब। रिवेल साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों के सामने ही यह हवेली गुलजार के नाम पर कर। दरअसल मुख्तार साहब के छोटे भाई के बेटे आकर रोज इनसे झगड़ा करते हैं और इस हवेली में हिस्सा मांगते हैं। आप अपनी आंखों के सामने झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। तुम ठीक बोलता है। तुम क्या कहती हो गुलजार? जो नसीब में होगा वो अपने आप आ जाएगा और जो नहीं होगा वो आके भी वापस चला जाएगा। तुम ठीक बोलता है, ये सब तुम्हारे नसीब में है। मुंशी जाओ, रजिस्ट्रार को बुलाओ, आज के आज ये हवेली हम गुलजार के नाम करता है। जी साहब। महेंद्र, तुम और मुख्तार, तुम दोनों गवाह के रूप में साइन करोगे। जी सर। ठीक है सर। रिवेल साहब, माँ की एक बेटी को सम्मान देकर आपने उसकी माँ का सम्मान किया है। थैंक यू। गुलजार, अब तोहरा के हवेली से केहू नहीं खे निकाल सका, मुख्तार साहब बिना। मुख्तार, तुम ये पीना खाना दारू सब बंद करो। छपड़ा के आसपास के गांव जाओ, सिपाही भर्ती करो, मजदूर भर्ती करो, गिरमिटिया मजदूर को मॉरिशस भेज दो। ठीक है सर। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूं, मैंने गांव बसाया है रिवेलगंज। गुलजार बेटा, तुम्हें कभी भी उधर आना हो तो प्लीज वेलकम। जी। मुन्ना बाबू, आपके हमारे साथ छपरा चले के पड़ी, वहाँ डुगडुगी पिटाई के बाद कि ब्रिटिश फौज के लिए हिंदुस्तानी नौजवानन का भर्ती होता और मारिशत खातिर गिरमिटिया मजदूरन का भर्ती करल जाए। मुख्तार साहब, भारतीय नौजवान ब्रिटिश सेना में भर्ती भइला के बाद देश के लोगन के ऊपर ही बंदूक चलावेला। एक काम में हम आपके मदद नहीं की कर सकत, हाँ वैसे भी हमारा लगे गो काम बा। का? अफीम कोठी में बंदी के जीवन जिए वाली गुलजार के लेके कोठी के बाहर के दुनिया भी दिखावे के बाद
वंदे मातरम मुन्ना बाबू। वंदे मातरम। ये तो हमरे खिलाफ विद्रोह। विद्रोह करे के मौका तो आपके भी मिलल रहे, काहे ना कहीं नहीं। कबो चाचा के खिलाफ तो कबो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, लेकिन रउआ ना कहीं नहीं। जाना तानी मुख्तार साहब, विद्रोह करे के मौका भीष्म पितामह के भी मिलल रहे दुर्योधन के खिलाफ, लेकिन उना कहीं ना। तो जाना तानी समय उनका के का सजा दिले रहे, बाण से पूरा शरीर छलनी करके बाण के ही सैया बना के ऊपर सुला दे ले रहे। रउओ अधर्मियन के साथ देता नहीं, समय रउओ साथे बुरा ही करी। अगर इस बात का शिकायत हम रिबेल साहब से कर दे तब कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात जरूर हो जाई। क्या हो जाई मुन्ना बाबू? वो ये है कि बचपन में राउर चाचा रउआ के दो रोटी खातिर मोहताज कर दे ले रहने, और बुढ़ापा में राउर कुकर्म रउआ के दो रोटी खातिर मोहताज कर दे। और रहल बात रिबेल साहब के, तो रिबेल साहब अंग्रेजन से परेशान होकर खुदे संन्यास ले ले रहना, और अब तो गुलजार के अपन बेटी बना के भारत माता के इज्जत भी दे दे बना, तो गुलजार के वो कुछ ना करिए। चलो गुलजार, तोहरा के कोठी के बाहर के दुनिया घुमा देता नहीं। गुलजार, कोठी ते एगो बहाना रहला। दरअसल हमरा के मुख्तार के बतावे के रहला कि तोहरा ऊपर और कोठी के ऊपर उनका कोनो जोर जबरदस्ती ना चली। देखा खोबन, दुनिया में जे भी औरत बाड़ी सन, उ कौनो मरद के कबहियो अचार से लेके मुरब्बा बना के फेंक देली सन। अब तू ही लोग देख लो, जहिया से मुख्तार साहब मेम साहब के ले आयल बाड़न कोठी पर, उही दिन से मुख्तार साहब अचार मुरब्बा बन के रोही गए बाड़न। हाँ। चल के मुख्तार साहब के सब बताओ जा का। ना ना बुल बुल, खोबन बाबू तू लोग तो सब आपन आदमी बाड़ा भाई, ऐसे ना करके चला। चला। खोबन। जी मालिक। शाह के गुलजार के बुला के लिया वा। जी। आज से इस हवेली की मालकिन तुम हो। छपरा के आसपास के गांव जाओ, सिपाही भर्ती करो, मजदूर भर्ती करो, गिरमिटिया मजदूर को मॉरिशस भेज दो। गुलजार, तुहार घुंघरू कहां? और न यहाँ कोई साज बाज, न कोई बजावे वाले, और तो और तोरे ओठ पर जौन आदाब अर्ज रहत रहे वो हो नहीं, ततो नशबू कैसे? अब हम केहू खातिर ना नाचब, हम रिबेल साहब की बेटी हैं। और यो कह द कि कोठी का मालकिन भी हो? उ तो हम हये हैं, और औरत जहां भी रहेले मालकिन बन के ही रहेले। कोठी के मालकिन तोरा के अच्छी तरह पता कि जलता घर में नाचे खातिर आगरा और बनारस घराने के तवायफ नाचे खातिर परेशान रहल, और तू कहत बाड़ू कि ना नाचब। अरे आज हम तो के नंगा नचाई, और हम रिबेल साहब से राउर शिकायत कर दे तब। अरे वो बुढ़ा के दम बाद में देख ले, पर आज के हम नंगा नचाई। ये का करल बानी? छोड़ी हमरा के मुन्ना बाबू, छोड़ी मुन्ना बाबू। मुख्तार साहब, ये रउआ का कर रहल बानी? ये हमरा के नंगा नचावे के कहत रहे। मुख्तार साहब, रउआ रिबेल साहब के फैसला से तिलमिला गइल बानी, अब रउआ लगे कुछौ नीखे बचल, चुपचाप आंचल छोड़ के बात करे, ना तो हम का कर सके नी। रउआ अच्छी तरीके से जाना था नी। ले छोड़ देनी। मुन्ना बाबू, तू गुलजार के यहाँ लिया रहला हमरे खातिर कि अपने खातिर? मुन्ना बाबू,
इका कहत बाड़न रहुआ तो जानत रहनी ना कि हम रहुआ से बस कुल जा एकरा आगे अगर कुछ बोलबू तो अनर्थ हो जाए। मुख्तार साहब हमरा साथे विश्वासघात कैले बाड़न। एगो औरत के जीवन मझधार में डाले के बाद रहुआ विश्वासघात के बात करता नहीं। रहुआ के हैं और ई के हवन ई जाने के बाद भी रहुआ हमरा के इजे उठा के लिए आई नहीं। इनका रात रंगीन करे खातिर ना गुलजार। मुख्तार साहब हमरा से कहले रहन कि तोहरा के ब्याहता पत्नी बना के इज्जत के साथे कोठी पर रखी है। हम इनकर ब्याहता पत्नी बनब ई रहुआ सोच कैसे लेनी? और हमरा जीवन के फैसला करे के अधिकार रहुआ दोनों जना के देलस? हमार बाबूजी कहले रहलन कि रहुआ हमारे पिता समान बानी, यही से राउर इज्जत कर रानी हूँ। लेकिन रहुआ एक नंबर के गद्दार विश्वासघात करे वाला आदमी बानी। अरे रउआ भी वह कुल काहे नहीं करत जौन वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी लोग करत। मुख्तार साहब, भारतीय नौजवान ब्रिटिश सेना में भर्ती भइला के बाद देश के लोगन के ऊपर ही बंदूक चलावेला। एक काम में हम आपके मदद नहीं की कर सकते। अरे रउआ भी वह कुल काहे नहीं की करत जौन वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी लोग करता। मुख्तार साहब, भारतीय नौजवान ब्रिटिश सेना में भर्ती भइला के बाद देश के लोगन के ऊपर ही बंदूक चलावेला। और तुम उससे अपने ही देशवासी नौजवानों को ब्रिटिश फौज में भर्ती करने को कहते रहे ताकि वो नौजवान अपने ही देशवासियों पर गोलियां चला सके। अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए किन बिटिया मजदूरों को मॉरिशस भेजने को कहते रहे दो रोटी के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात मानता रहा, अपने देश के साथ गद्दार ही करता रहा। और आज मेरा सब कुछ छीन लिया, मिटा दिया मुझे। लेकिन मैं मिटूंगा नहीं। मैं कोई मुझे मिटा नहीं सकता, कोई मुझे मिटा नहीं सकता। मैं तुम्हारी ये खैरात, तुम्हारी ये दुनिया सब तुमको वापस कर दूंगा। तुम्हारा ये राजपाट, ये दुनिया सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। तुम रहो अपने इस घर में। नहीं रहूंगा तुम्हारा गुलाम, नहीं पलूंगा तुम्हारे टुकड़ों पर। नहीं चाहिए कुछ। मालिक, अरे बुलबुल, हाँ, ये कमरा के ये का हालत भलवा? और कमरा में मालिक भी नहीं के? हमरा के नहीं के मालूम। ये अपन कपड़ा, रिवाल्वर, ये सब छोड़ के कहाँ जा सकीले? पता नहीं कहाँ गेल बानी। एक काम करा, आवा चला मेम साहब को बता दे जाए। हाँ, चला। वंदे मातरम।
वंदे मातरम मुन्ना बाबू। वंदे मातरम। मुख्तार साहब के एकाएक कोठी से गायब हो जाना, हमरा तो लागत बा एमे कोनो षड्यंत्र बा। जौन आदमी जिंदगी भर शराब पियले होखे, अफीम खैले होखे, कोठा पर जाके नाच दिखले होखे, ओ का षड्यंत्र रची। मुख्तार साहब अंग्रेजन के डरे अपने मुँह पर करिखा पोत लेना। अब जब अंग्रेजन के काम ना कहले तो चल गए हुई कहीं, और वैसे भी जीवन में कुछ अच्छा काम तो कैले नहीं खा, तो उनका आत्मा उनका के धिक्कारत हो, यही से निकल गए हुई हैं एजा से। मुंशी जी आपके का लगाता कहाँ गए हुई हैं? मुन्ना बाबू, मुख्तार साहब तो पूरा जीवन में कोनो अच्छा काम आज तक नहीं खन कैले, यही से हमरा बुझाता कि उनका आत्मग्लानी आयल हुई और वो गंगा जी में जाके समाधि ले ले हुई है का। गुलजार तो जाके मुख्तार साहब का रिवॉल्वर और सगरो चाबी अपने गिरफ्त में ले ला। बटे सर जी। भैया अचानक ही छपरा कैसे आ गईला? तबीयत खराब हो गई रहा भैया, गोपी चंद को बड़का डॉक्टर के यहाँ हमरा के दिखाइले हमन, जिसे हमार बीमारी ठीक हो गई भैया। बड़का डॉक्टर? जी भैया। गोपी चंद तू तो दिन रात हमारे यहाँ रहे ला, हमारी गाय गोरु का गोबर निकालेला, घोड़ा के देखभाल करेला, ये बड़का बड़का डॉक्टर से तोहार कैसे पहचान हो गई? अरे मलिकार, आपके यहाँ नौकरी करे से पहले छपरा में बहुत से डॉक्टर के यहाँ साफ सफाई के काम कैले वानी, बस यही से जान पहचान बा। हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला में घोड़ा खरीदत समय बटेसर भाई से मुलाकात हो गई रहे, तब से आपे के यहाँ नौकरी करे लगनी हम। आपे के यहाँ कोनो भी कीमत पर नकली नोट छापे वाली बात गोपीचंद के ना पता चले के चाहिए। एकरा से कोनो खतरा नहीं है भैया, विश्वासी बा, रुआ विश्वास करी। अबे तू लड़का बड़ा, कोशिश करी है पता ना चले। जी भैया। ठीक बा गोपीचंद जी, अब तो लोग घरे जा जा। जी जा। प्रणाम भैया। खुश। प्रणाम मलिकार। खुश। ये फूल, ये रोरी, ये दीपक काहे खातिर? आज अग्नि के साक्षी मान के बात हुई मुन्ना बाबू, ब्रिटिश हुकूमत के एगो अड्डा खाली करवा देनी, इसे सबसे पहले हम रउआ के विजय तिलक लगाइब। ना गुलजार, हमारा आरती मत उतारो, हम इतना महान भी नहीं की, और ये जौन कुछ भइल बा तोरी दृढ़ इच्छा शक्ति से भइल बाटे। दी ठीक बा मुन्ना बाबू, लेकिन हमरा के ई नहीं के समझ में आवत कि हम शुरुआत कहाँ से करें। इतना इंतजार के बाद, इतना तड़पला के बाद और इतना दुआ के बाद हमरा जिंदगी में ई दिन आयल बा, हमरा और पैर तो छू ले बानी, अब तो राउर दिल भी छू ले दी। आज हम अपना दिल पर हाथ रख के एगो बात कहे के चाहता नहीं, हम जौना दिन से रउआ के देखले बानी, हमार दिल सिर्फ रउआ खातिर धड़केला, हमार आँख में सिर्फ राउर सूरत बा, और ये बात तो रउआ अच्छी तरह जानीला। हमहू भारत माता के साक्षी मान के कहता नहीं कि हमरा दिल में भी सिर्फ तू ही रहेलू,
फिर भी रउआ हमरा के कोठी में मुख्तार साहब के ब्याहता पत्नी बनावे खातिर उठा के लिए ही नहीं। का मर्द जात के ये अधिकार बा कि औरत से बिना पूछे ओकरा के दाव पे लगा दी। द्रौपदी के भी उनकर पति पांचों पांडव उनकरा से बिना पूछ ले जुआ में उनकरा के दाव पे लगा दे ले। और रउआ भी हुए कहीं नहीं बिना हमरा से पूछ ले मुख्तार साहब की ब्याहता पत्नी बनावे खातिर हमरा के एजा उठा के लिए ही नहीं और दाव पे लगा देनी। गुलजार, हमरा से इस सब कुछ कोनो अदृश्य शक्ति करवावत रहे। ना तो सच तो ही बटे कि हम एक पल खातिर भी तोहरा के अपने आप से दूर ना कैल चाहत रहनी। करौवा सच बोल रहल बानी। हाँ गुलजार, हम तो हर पल ही सोचत रहनी कि कैसे तोहरा के कोठा की जिंदगी से बाहर निकाली। वही समय हमार मुलाकात मुख्तार बाबू से हो गई। मुख्तार बाबू अपने मन के बात बताओ ले तोहरा के अपन ब्याहिता पत्नी बना के रखे के बात कहने और हम उनके बात मान गए नहीं। पर देखा ना, आज समय ऐसा दुराहा पल्या के खड़ा कर दे ले बाटे जहां समझ में नहीं खेवत कि तोहरा के अपनाई या सही देखत रही। मुन्ना बाबू, कोठा वाली की जिंदगी में इनत उनका सतित्व के निशानी होला एके स्वीकार कर ली मुन्ना बाबू। और ही हम आज तक रउआ खातिर बचा के रख ले बानी। मुन्ना बाबू, ई हम आज रउआ के देवे के चाहतानी। हमरा के अपना ली मुन्ना बाबू। तोहरा नजर में हमारी यह इज्जत बाटे कि हम तोहार नथ उतारब? ये हमरे प्यार के अपमान बाटे ढेला, अपमान बाटे। रुक जाइ मुन्ना बाबू, हम रउआ से एगो बात पूछता नहीं। जौना लड़की के पैर में घुंघरू बन जाला का ओकरा सोला सिंगार करे के अधिकार नहीं खे? और का कहा जोना पैर में घुंघरू बन जाला ओकरा ब्याह करे के ग्रह प्रवेश करे के अधिकार नहीं खे? बताई हमरा के। हमरा लगे तोहरे बात के जवाब नहीं खे। ठीक बा मुन्ना बाबू, रउआ जा रहल बानी तो हम परवरदिगार से दुआ करब कि हमरा प्यार और हमरा चाहत के इतना ताकत दे कि हम ता उम्र राउर इंतजार कर सकें। और जौन चौखट पर रउआ हमरा के छोड़ के जा रहल बानी वही जा लौट के रउआ के वापस आबे के पड़े। ठीक बा ढेला, अगर तुम्हारी ही इच्छा बाटे तो हमहू अपने भगवान से प्रार्थना करब कि तुहार दुआ कबूल करे। अपन ख्याल रखियो। मनले न माने मन कैसे मनाई पूरल न एको अरमान। अरे सब कुछ रहल ना रहल एके लेखा जैसे बिना रे परा। आइला नसीब से तू हमरा नसीब में दूर रह के भी रहवा दिल के करीब में। ओ आइला नसीब से तू हमरा नसीब में
दूर रह के भी रहवा दिल के करीब में, हमर सुख चैन दिल के दवाई लेके, काहे जात बड़ा गम और तन्हाई देके, काहे जात बड़ा गम और तन्हाई देके। भैया एक रुपया के 100 गो नोट छाप देले बानी, चल के देख ली। ई गोपीचंद कहाँ बा? भैया ऊ तो कहले रहलन कि नोट छप तो हमू साथे रहेम, लेकिन ऊ तो सामे से गायब बा। ई गोपीचंद गइल कहाँ? चुपचाप खड़ा रही मिस्र जी, हमरे साथे ब्रिटिश फोर्स बा, अगर भागे के कोशिश करब तो गोली कांड हो जाई। गोपीचंद तू चुपचाप खड़ा रहा। प्रणाम मलिकार। गोपीचंद तू ए अंग्रेज सिपाही के वर्दी में? हाँ मलिकार, हम गोपीचंद ना हैं, हम सीआईडी ऑफिसर हैं, जटाधारी, जटाधारी प्रसाद। 3 साल से हम रउआ की यहाँ घोड़ा गाय के गोबर उठावत रहनी मालिक, ई जाने खातिर कि आप नकली रुपया कब छापे ली। हम आपके रंगे हाथ पकड़ल चाहत रहनी, आज हमार ई मेहनत सफल हो गई। टेरी साहब, नकली नोट छापने के जुर्म में मिस्त्री जी को गिरफ्तार कर लीजिए, अरेस्ट हिम, आप बच नहीं सकते। ए यू, तुम ये सब काम करता है? 3 साल से ब्रिटिश हुकूमत को परेशान करके रख दिया, मैं तुमको अरेस्ट करूंगा, तुम्हें कुछ कहना है? जी, यही कहना है कि एक क्रांतिकारी पूरे ब्रिटिश हुकूमत पर भारी। जटाधारी। यस सर। नकली नोटों की मशीन और नकली नोटों को झट कर लो, जाओ झट करो। ओके सर। 16 अप्रैल 1924, महेंद्र मिश्र का घर, काही मिश्र वालिया, छपरा, बिहार, जहां अंग्रेजों ने नकली नोट छापने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार किया। वेल डन जटाधारी प्रसाद। थैंक यू सर। तुमने 3 साल तक इसका जासूसी किया और इसको अरेस्ट कराने में मदद किया, तुमको बड़ा से बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। और इस पर देशद्रोह के जुर्म में राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। महेंद्र मिश्रा, तुमको कल 1 दिन का टाइम दिया था, तुम कोई लॉयर लेके नहीं आया अपना सफाई देने के लिए। तुम्हें अपने बचाव में अगर कोई वकील को बुलाना है तो बुला सकता है। हमने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, भारत माता को आजाद कराने के जंग में मैं भी शामिल हूँ, भारत माता के चरणों में मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, मुझसे जितना हो सका मैंने भारत माता के लिए किया। और जज साहब, मैं अपने बचाव में कोई भी झूठी दलील पेश करना नहीं चाहता हूँ। तो अच्छा, तुम अपना गुनाह कबूल करता है, ये गुनाह और राजद्रोह किया है, इस राजद्रोह के लिए तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठहरिए मिलॉर्ड, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। मैं हूँ महेंद्र मिश्र का वकील चितरंजन दास। हाँ, मैंने ये नाम सुना है। भारत माता का कोई भी सपूत अकेला नहीं खड़ा होता, उसके साथ खड़ा होता है पूरा देश। गुलजार, ए फरेबी फिरंगियन से हमरा खाते दया के भीख मत मांगा। भारत माता की आजादी के खातिर हमरा से जो बन पड़े हम उस सब करम मिसर बाबू। और वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत के तिजोरी में भारत माता के लूटल धन भरल बा, अगर उमे से रउआ क्रांतिकारियन के खातिर कुछ पैसा निकाल लेनी तो ई चोरी ना, देशभक्ति बा।
तो क्या आप नकली नोट छापने में शामिल थे? ये रंगे हाथ पकड़ा गया था। ये झूठ है। पटना हाई कोर्ट में इस केस की बहस चलने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के न्यायाधीश ने अपना एक तरफा फैसला सुनाया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में शामिल होने और नकली नोट छापने के जुर्म में महेंद्र मिश्रा को 40 साल की सजा सुनाई जाती है। जज साहब, मैं मिसिर जी के वजन के बराबर सोना देने के लिए तैयार हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ब्रिटिश सरकार सजा देती है, माफी नहीं। अखिया से झलकता लोरावा के धार हो, बिछड़े के राहे तो काहे कईला प्यार हो। अखिया से झलकता लोरावा के धार हो, बिछड़े के राहे तो काहे कईला प्यार हो। रहब कैसे हम ऐसे रुसवाई लेके, काहे जात बड़ गम मोर तन्हाई देखे, काहे जात बड़ गम मोर तन्हाई देखे। इंतजार रहे जब तक सांस हो, जब तक मिलन ना होए छोड़ब नास हो। करब इंतजार रहे जब तक सांस हो, जब तक मिलन ना होए छोड़ब नास हो। जी अब कैसे हम ना हर जाई लेके, काहे जात बड़ा गम मोर तन्हाई देखे, काहे जात बड़ा गम मोर तन्हाई देखे। बक्सर सेंट्रल जेल 1931, जहां महेंद्र मिश्र को कैद में रखा गया था। अरे महेंद्र जी, अरे ओ महेंद्र जी, अरे जल्दी बाहर आई। वंदे मातरम जेलर। वंदे मातरम। का बात बटे बड़ा हड़बड़ी में बानी? बात ही कुछ ऐसन बा महेंद्र जी, आपके 40 साल के सजा 10 साल में बदल गई, जोना में 7 साल के सजा आपके जेल में बीत चुकल बा और 3 साल में आपके सजा पूरा हो जाई। वैसे हम आपके 3 साल पहले ही छोड़ सकता नहीं। ए मेहरबानी के वजह? ए में मेहरबानी कोनो नहीं खे महेंद्र जी, हम तो वो देवी के मेहनत के सम्मान देवे के चाहता नहीं महेंद्र जी। जी आपके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमा लड़ के 40 साल के सजा के 10 साल करा दिल हस। वो गुलजार है, कहां बाड़ी वो देवी, कहां हम उनके दर्शन कर सकता नहीं? जी हाँ, चली आई। तोहरे प्यार में बहुत ताकत बटे, जोने चौखट के हम हमेशा खाते छोड़ के आ गए रहले, तोहर प्यार आज वापस हमके वो चौखट पर लेके जाता। महेंद्र मिश्र
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंग लड़ते रहे, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें कोई स्थान नहीं दिया। जेल में रहते हुए भी महेंद्र मिश्र ने भोजपुरी में अपूर्व रामायण की रचना की, लेकिन दुखद वो रचना आज तक छपी ही नहीं। जैसे समाना कोनो चोर हो, मन के बखरिया ए हो गुजरिया, तुम्हारे से भइल बयान जोर हो, तुम्हारा के पाके भाग जागल बा, आज जागल बा। जब तो पड़ेलू नजरी के सोझा, राखी देलू जान भर माके, अखिया में आँख डाली देखो न सुरतिया, रहे जाने हम शर्माके। जब तो पड़ेलू नजरी के सोझा, राखी देलू जान भर माके, अखिया में आँख डाली देखो न सुरतिया, रह जाने हम शर्माके। बिंदिया तो निंदिया ले भागल बा, अरे भागल बा।